आपको सर एंट्री करने के लिए जस्ट और ज्यादा नहीं 2-3 मिनट और लगेंगी, क्योंकि बोला जाता है ना कि अच्छे खाने की परोस थोड़ा सा वक्त तो लगेगी। अगर अच्छा खाना है तो जरूर थोड़ा टेस्ट बनाने में, तड़का लगाने में, मसाला देने में, टेस्टी खाद्य प्रस्तुत करने में थोड़ी वक्त जरूर लगेगी। तो सारे जरूर अभी हमारे बीच में आएंगे और आप लोगों को और हमको वो सारी वंडरफुल कंटेंट के साथ और ट्रेनिंग हम लोग को देंगे। और मैं लास्ट और एक व्यक्ति से बात करूंगा आज, क्योंकि अभी सर आए नहीं है, तो मैं डेफिनेटली और एक व्यक्ति से बात करूंगा। कोई अगर मिस्टर पंकज जोशी, मिस्टर पंकज जोशी है कोई? अपने आप को अनम्यूट करिए, मैं ऑप्शन दिया। पंकज जोशी जी, मिस्टर पंकज जोशी जी, ओके पंकज जी का नहीं हुआ। देन स्टार नरेश जैन, पंकज जी हो गया हेलो, आपका? गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो पंकज जी? बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर उत्तर प्रदेश, कौन से जगह से? वेरी प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। बहुत गुड। आज की ट्रेनिंग के लिए कितना एक्साइटेड हैं आप? वो तो थे 2000%, हमें 1,00,000% अच्छा, 2000 से 1 लाख% हो गई, क्या दे। बात है। तो 2000% से 1 लाख% हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज की मीटिंग तो बहुत स्पेशल जरूर होगा। यस और नो? यस सर। ओके ठीक है, थैंक यू पंकज जी बात करने के लिए हमारे साथ। वेल दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कोई 2000% बोल रहा है, कोई 1 लाख% बोल रहा है, जाहिर सी बात है आज आप लोग एक्साइटेड होना आपकी हक है, क्योंकि तो आज कई सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसी न्यूज मिलने वाली है जिस न्यूज सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की उम्मीद का किरण जग जाएगी, सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे और बहुत कुछ होगा। क्योंकि हमारी कंपनी आने अभी नवंबर 20 तारीख को एनिवर्सरी की एनिवर्सरी होने वाली है, नवंबर 20 को, और इस 20 तारीख में पूरी भारतवर्ष से लोग आने वाले हैं, और वहां से वहां पर बहुत सारे लोगों को रिकग्नाइज भी किया जाएगा। काफी सारे एक्टिविटी होगी आज इस सेशन के दौरान, जब सर आएंगे तो वन बाय वन आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। बहुत सारे कार्यक्रम हैं आज, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी है, उसके साथ साथ आप लोगों को सर के माध्यम से काफी सारे अनाउंसमेंट भी है। तो मैं सर आने से पहले मैं एक छोटा सा एनिवर्सरी की इंट्रो वीडियो में प्ले करना चाहूंगा आप लोग के साथ, सो बने रहिए। आफ्टर दिस इंट्रो हम सर को जूम में बुलाएंगे, तो सारे लोग प्रस्तुत हो जाइए इस इंट्रो के दौरान, देन हम सर को बुलाएंगे। ओके दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं जानता हूं आप सारे लोग तैयार हैं, और आज के सेशन को लेने के लिए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा आप लोग के बिहाफ पे। सो गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली द सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ केआरएस मल्टीप्रो, मिस्टर मनोज सर। सारे लोग एक जोरदार ताली से सर को स्वागत करें। मिस्टर मनोज सर, जोरदार ताली से स्वागत करें सर लोग। मैं सर को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं।
जोरदार ताली बजाइए आप सारे लोग, सर को वेलकम करिए। तो वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे आइए और हम सबको मार्गदर्शन करिए, प्लीज वेलकम सर। आपको को-होस्ट बना दिया हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, यू आर द को-होस्ट नाउ। हाँ, थैंक यू, पहले अनम्यूट था मैं, नहीं हाँ था। हाँ नो ओके, प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सर। आई थिंक सब म्यूटेड हैं, या मेरे पर सबकी नमस्ते मुझ तक पहुंच गई है। एक हफ्ते बाद फिर से दोबारा मिल रहे हैं और आप सबको दीपावली की और ये अपना जितने भी त्योहार अभी गए हैं, इवन आज भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते सीरीज शुरू की थी, बीच में दुष्मंता सर ने भी आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और अभी आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर। ना सिर्फ डायबिटीज की और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देनी है, जो कि 20 नवंबर को हमारा जो फंक्शन हो रहा है तालकटोरा स्टेडियम में, उसमें आने के लिए और आने से पहले आप सबके लिए कंपनी ने बहुत बेहतरीन ऑफर्स और बोनांजास निकाले हैं। तो इत्मीनान से आप बैठिए और मीटिंग के एंड में हम सब डिस्कस करेंगे। और क्योंकि पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, तो क्या मैं जान सकता हूँ पिछली बार जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की थी उनमें से कितने लोग अभी हैं दोबारा से अटेंड करें, जो लास्ट ट्रेनिंग हमने की थी? अपना हैंड रेज कर सकते हैं या थम कर सकते हैं आप। ओके, बादल शर्मा, पंकज जोशी, मधुसूदन सर, मॉन्टू रंजीत जी, वेरी गुड, अभिषेक सरकार, विजय डूडी, वेरी गुड, चंदन कुमार जी, ग्रेट, वेरी गुड, सालू सिंह, ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा कि आप दोबारा से रिपीट और रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं और आई होप कि आपकी टीम के जितने लोग हैं वो बार बार, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी चीज है जितना हम ज्यादा लेते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट्स हमको होते हैं। तो मैं स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ और उसके बाद फिर अपन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग। तो जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया या थम किया है, मुझे बता सकता है कि लास्ट टाइम मैंने कुछ सवाल पूछे थे और उनका जवाब कुछ लोगों ने दिया था, तो किसी को याद है कि मेन डिस्कशन किसके ऊपर बात हुई थी? कोई भी, एनीबडी एल्स? समीर जी, हाँ सर अनम्यूट कर लूँ? अनम्यूट करो ना। ओके, बादल शर्मा जी। हाँ, हेलो बादल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए बाद में बात करते हैं, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपको दिखाई दे रहा है समीर, मेरा ये विजिबल है क्या? आप लोग थम कर सकते हैं अगर आपको स्लाइड शेयरिंग हो रहा है तो। चलिए ग्रेट। तो डायबिटीज क्या है? देखिए, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप 10 लोगों से मिलते हो तो जाहिर सी बात है कम से कम एक आदमी को डायबिटीज जो है जरूर रहती है। और हमारे घर में इवन आज की डेट में डायबिटीज के नाम पे जो और 50 बीमारियां निकल के आई हैं और डायबिटीज के कारण और जो नई नई बीमारियां होती हैं, वो सबके बारे में कुछ को नॉलेज है, कुछ को नॉलेज नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, बिकॉज ये एक सीरीज हमने पिछले कुछ दिनों से चलाई है
आपको पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट, हमारी जो कंपनी है, उसका जो बैकबोन है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स की अगर हमको जानकारी नहीं होगी तो हम उसे बेच नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो हमारे लेवल्स अचीव नहीं होंगे, और लेवल्स अचीव नहीं होंगे तो जिस उद्देश्य से डायरेक्ट सेलिंग में हम आते हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। दोस्तों जो बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने से पहले उस किस बीमारी में हम बात करें तो उसका नॉलेज होना हमको जरूरी है। चलिए जानते हैं सबसे पहले डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या है? इसे मधुमेह भी कहते हैं, आप शुगर भी कहते हैं, शुगर की बीमारी है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पढ़ के आपको बताऊंगा और आपको अच्छा भी लगेगा, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड्स का। मधुमेह एक पुरानी स्थिति है जो शरीर में रक्त शर्करा को ग्लूकोज के रूप में संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करती है। आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आपको अपने रक्त में ग्लूकोज का एक स्वस्थ स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। ग्लूकोज आपके शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह आपके द्वारा खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों से आता है। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, एक आदमी को, एक इंसान को जीने के लिए कुछ पौष्टिक आहार चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अर्थ के जो पदार्थ हैं, जैसे कि रोटी, पास्ता, चावल, अनाज, फल, स्टार्च वाली सब्जियां, दूध और दही, जब आप इन खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो आपकी रक्त धारा आपके शरीर के चारों ओर ग्लूकोज को पहुंचाती है, जहां आपकी कोशिकाएं इसे ऊर्जा में बदल देते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसलिए ये आपकी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। आपके शरीर को इंसुलिन आपके अग्नाशय, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं इसे, अग्नाशय बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा जो जठर है, जो अग्नि अग्नि जठर है, वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि वो खाने को पचाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम खाना खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, उसके बीच में या उसके बाद में जब पानी पीते हैं तो ये जो पाचन क्रिया को सक्रिय करने के लिए जठर जो है ये एक्टिव होती है, ये ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, पाचन क्रिया हमारी सक्रिय नहीं रहती। तो इसका मतलब है कि आपका अग्नाशय बहुत कम इंसुलिन बनाता है या कोई भी नहीं। आपके द्वारा खाया जाने वाला ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाने के बजाय आपके रक्त में रहेगा। आपके रक्त में ग्लूकोज के उच्च स्तर को आपके शरीर पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव हो सकता है, जो संभवतः आपके दिल, मस्तिष्क, गुर्दे, आंखों और पैरों को नुकसान पहुंचाता है। स्लाइड चेंज हुई है क्या अभी? यस सर, यस सर। ग्रेट। तो मधुमेह के जो प्रकार होते हैं, ये तीन प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रोनल होती है। तो क्या क्या होते हैं इसके मैं बताता हूँ आपको। टाइप 1 मधुमेह क्या है? एक स्व प्रतिरक्षित रोग है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो इसका मतलब है कि आपका अग्नाशय अब आपकी जरूरत के इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। इसका मतलब है कि आपको नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा के स्तर को निगरानी करने की आवश्यकता होगी, और या तो इंसुलिन को इंजेक्ट करें या एक स्वस्थ सीमा के भीतर उन स्तरों को रखने के लिए एक इंसुलिन पंप का उपयोग करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज जब होती है, डायबिटीज के जो लक्षण है वो अलग अलग होते हैं, एक बात। दूसरी, हर आदमी की जो डायबिटीज होती है उसको एक जैसी दवाई नहीं दी जाती। तीसरा ये कि अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और वो डायबिटीज पुरानी है, नई है, कितना रक्त उसमें आ रहा है, वो सारी चीजें जो है, ग्लूकोज कितना है कितना नहीं है, उन सब चीजों को देखते हुए कई लोगों को देखा गया है कि वो जो एक, अगर मान लो घर में किसी को डायबिटीज हुई है तो वो सेम दवाई दूसरा भी आदमी, उसका घर का सदस्य भी वही डायबिटीज की दवाई ले रहा है, वो नहीं लेनी है, एक चीज। दूसरा, ये जैसे टाइप 2 मधुमेह है, इसका मतलब है कि आपका अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है, या आप जो इंसुलिन पैदा कर रहे हैं वह प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है। नियमित शारीरिक गतिविधि, एक स्वस्थ खाने की योजना और नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ आप अपने मधुमेह को अच्छी तरह से जीने के लिए प्रबंधित कर सकते हैं। दो चीज कॉमन होती है इसके अंदर। अगर डायबिटीज के पेशेंट्स अलग अलग हैं, उनकी दवाइयां अलग अलग हैं, ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं, सिर्फ दो चीज कॉमन होती है हर पेशेंट में डायबिटीज के, वो कॉमन क्या हो सकता है? नंबर 1 आपका एक्सरसाइज करना, और नंबर 2 आपका खाना।
देखिए ये दोनों चीजें सेम हो सकती हैं, बाकी दवाइयां कभी भी सेम नहीं हो सकती। और जब आप एक दवाई लेते हो तो कोई भी एक दवाई नहीं लेता, एक मेडिसिन नहीं लेता, उसके साथ दो या तीन चार गोलियां आपको खानी पड़ती है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है, तो जब वहां पर जाएंगे तो आपको प्रसाद मिलता, प्रसाद बोले तो एक दवाई आपको मेडिसिन मिली, और उसके साथ साथ फिर आपके जीवन में वो दवाइयां ऐसा घर बना लेती हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा जब वो ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उनके पास एक बॉक्स होता है, तो खाने से पहले भी दवाई खाते हैं और खाने के बाद भी दवाई खाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज जो है अभी आई है, अभी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और हमारे जो तनाव और टेंशन ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से ये होता है। तो ये दो तरह की डायबिटीज है। तीसरी डायबिटीज है जो गर्भावधि में होता है, जब लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये इस तरह की डायबिटीज आती है। एक ऐसी स्थिति जो आप गर्भावस्था के दौरान विकसित हो सकती है, जब आप 24 से 28 सप्ताह की गर्भवती होती हैं, तो ये एक रक्त परीक्षण और एक मौखिक ग्लूकोज सहिष्णुता के परीक्षण के साथ निदान किया जाएगा। गर्भावधि मधुमेह को आहार और व्यायाम के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, हालांकि इसे महिलाओं को बच्चे के जन्म तक दवा या इंसुलिन की आवश्यकता हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंसुलिन है, आप सबने देखा होगा जब इंसुलिन लेते हैं तो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका। कभी सोचा इसके बारे में कि इंसुलिन को हम टेबलेट की तरह क्यों नहीं ले सकते, या लिक्विड की तरह, सिरप की तरह क्यों नहीं ले सकते? इसके ऊपर कभी आपने सोचा है? रीजन कि इंसुलिन एक जहर का काम करता है, जहर की तरह होता है, तो इतना वो होता है, उसकी वजह से उसको डायरेक्ट जो है नसों के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। तो आप इंसुलिन से बच सकते हैं। उसका एक बेहतरीन सबसे अच्छा तरीका है कि आप व्यायाम करें डेली, और व्यायाम भी कैसा कि आपको कम से कम पसीने आने चाहिए। आप अगर एक घंटा, 24 घंटे आपको रोज मिलते हैं भगवान की तरफ से, राइट, तो 24 घंटे में से एक घंटा आप अपने शरीर के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि हम कई बार होते हैं बिजी 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 बिजी, किसमें रहते हैं, व्हाट्सअप देखने में, फेसबुक में, इंस्टा पे आज लोग रील बनाते हैं, उसके लिए इतना एडिटिंग वगैरह सब करते हैं, इतना टाइम देते हैं, तो कम से कम और रील जो है रियल लाइफ में भी थोड़ा सा कर लिया जाए कि एक घंटा अगर हम निकालते हैं अपने शरीर के लिए, तो आप समझिएगा कि आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। दूसरा, कोशिश कीजिए दिन में एक बार तो कम से कम ये कोशिश कीजिए कि मैं धूप, मतलब सूरज के दर्शन तो करो, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट सूरज, सूर्य की तरफ या उसकी धूप आपके शरीर पे पड़नी चाहिए, तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, राइट। ये जो बीमारियां हमने घर पर कर ली हैं, इसके कोई बाहर से कहीं से नहीं आया, ये हम ही इसके जिम्मेदार हैं। तो अब जब ये बीमारियां हो जाती हैं, तब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, ये डायबिटिक फूट जो होते हैं उनमें किडनी, मतलब जितना भी शरीर है उसके सारे अंग खराब होने लगते हैं, एक के बाद एक बीमारी, दूसरी तीसरी चौथी बीमारी होने लगती है। और फिर आप जब तक डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, अब कंट्रोल भी क्या होता है, पहले अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज कंट्रोल की बात करते हैं तो लोग कंट्रोल क्या करना, अपना कंट्रोल जितना आप करेंगे चीजों को, उतनी चीजें बाहर निकल के आती हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका आंकड़ा दिखाता हूं कि ब्लड ग्लूकोज का एक चार्ट है, तो जो नॉर्मल होनी चाहिए फास्टिंग में 80 से 100, आफ्टर ईटिंग 170 से 200, और 2 से 3 आवर के बाद जो खाना खाने के बाद 120 से 140। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज जो है ऐसे आता है 101, 125, 190, 230, 140, और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको कहा 126 से अगर ऊपर जा रहा है आपका फास्टिंग में, तो आप समझ लीजिए डायबिटीज है आपको। और ये टेस्ट आपको हर 3 महीने में कराते रहने चाहिए। आफ्टर ईटिंग 220 से 300 है, और 2 से 3 आवर के बाद जो खाने के बाद करते हैं 200+ होती है, तो ये दैट मीन्स आप जो है डायबिटिक पेशेंट है। अब डायबिटीज क्यों होती है, कैसे होती है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को की जो अपने अगर ट्रेनिंग्स देखी हो आप उसमें देखेगा, वो नेचुरल तरीके से ही चीजें बताते हैं, और मैं उनका एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। हमें समझना जरूरी है कि डायबिटीज होती कैसे है और क्यों होती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। समीर ये बताना, साउंड है क्या, साउंड आ रहा है इसमें? ये वीडियो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के परामर्श और रेफरेंस से बनाया गया है, जिन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर मिलियन लोगों को हेल्थ ट्रेनिंग दी है, और ये इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं।
दोस्तों आज पूरे भारत में 6.5 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज बीमारी के मरीज हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी का इलाज बहुत ही सरल है जो लगभग 72 घंटे यानी मात्र 3 दिन में ठीक हो सकता है। क्या आप सुनकर चौंक गए? आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 3 दिन। ऐसे ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज जैसी बीमारी जो सालों तक ठीक नहीं होती वो 3 दिन में कैसे ठीक होगी, और अगर वाकई में ऐसा हो सकता है तो डॉक्टर्स इसके बारे में बताते क्यों नहीं। तो इस बात को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले 10 सालों में देश की जीडीपी में $246 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि 2017 नेशनल बजट से सिर्फ $144 बिलियन कम है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। डायबिटीज की दवाइयां और इलाज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ लोगों को आपके बीमार रहने से प्रॉफिट है और वो ये नहीं चाहेंगे कि ये बिजनेस कभी बंद हो, और वो ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप बीमारी से मुक्त हो जाएं। वो यही चाहते हैं कि उनका ये बिजनेस ऐसा ही चलता रहे और आप उनकी महंगी दवाओं और इलाज के गुलाम बने रहें। इस कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए आपको डायबिटीज की बीमारी क्या है ये समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना पहले स्टमक में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जाने के बाद स्मॉल पार्टिकल्स में खाना ब्रेकडाउन होता है और फिर लिवर में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। लिवर से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के जरिए खाने का पोषण डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो बॉडी के हर एक सेल या कोशिका तक पहुंचता है, जिसकी मदद से हर एक सेल को एनर्जी मिलती है और शरीर की टूट फूट से बॉडी रिपेयर होती है। तो इस प्रकार जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी के हर एक सेल या कोशिका तक पहुंचता है। यहाँ बात आती है बॉडी के हर एक सेल को फूड को एक्सेप्ट करने के लिए उसके दरवाजे खोलने होते हैं, और हमारी बॉडी के सेल अपने आप दरवाजे नहीं खोल पाते। इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन में एक केमिकल की जरूरत होती है जिसका नाम है इंसुलिन। जी हाँ, आसान शब्दों में कहूं तो इंसुलिन को आप फूड को बॉडी के सेल में जाने का गेट पास या गेट की बोल सकते हैं। मतलब इंसुलिन होगा तो फूड बॉडी के सेल्स की गेट ओपन कर पाएगा और तभी फूड बॉडी के सेल्स या कोशिका तक पहुंच पाएगा। और जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन ठीक प्रकार से प्रोड्यूस नहीं हो पाता उन्हें डायबिटीज का मरीज कहते हैं। डायबिटीज के मरीज के शरीर में इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री ठीक से काम कर नहीं पाती। अब बात आती है इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री की, तो उसे कहते हैं पैंक्रियास यानी अग्नाशय, जहां इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है। तो नतीजा ये होगा कि डायबिटिक पेशेंट पर्याप्त मात्रा में खाएगा भी और लीवर से फूड बॉडी के सेल्स तक तो जाएगा, लेकिन इंसुलिन ना होने के कारण सेल्स फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे ही डायबिटीज की बीमारी या हाई ब्लड शुगर कहते हैं। अब थकान होना, खाया पिया अंग को ना लगना आदि लक्षणों के कारण आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे और डॉक्टर्स चेकअप के बाद आपसे कहेंगे कि बॉडी पर्याप्त इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और यहीं से शुरुआत होगी आपकी बीमारी से बद से बदतर होने की। डॉक्टर आपको एक ड्रग या मेडिसिन देगा जो लीवर पर असर करेगी। ये मेडिसिन लीवर पर जोर डालेगी कि वो ब्लड शुगर को और ज्यादा सर्कुलेट करे, लेकिन ये ट्रिक ज्यादा दिन काम नहीं करेगी। कुछ समय बाद ये ड्रग लेने के बावजूद पेशेंट को वही लक्षण वापस नजर आने लगेंगे और वो दोबारा डॉक्टर के पास आएगा। डॉक्टर फिर से उसे एक दूसरी दवाई देगा जो सीधे पैंक्रियास या अग्नाशय पर असर करेगी। ये ड्रग पैंक्रियास को फोर्स करेगी कि वो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करे। इससे कुछ समय तक तो काम चल जाएगा, लेकिन बाद में पैंक्रियास को उस ड्रग के बोझ के कारण ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और पैंक्रियास पूरी तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ देगा। इसके बाद डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है और अब आपको फूड सेल तक पहुंचाने के लिए दिन में कई बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। जब भी आप कुछ खाएंगे आपको उतनी बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, और बात यही खत्म नहीं होती है। पैंक्रियास के काम बंद कर देने के बाद कुछ पेशेंट्स को पैंक्रियास के काम बंद कर देने के बाद डैमेज पैंक्रियास में कुछ सालों बाद पैंक्रियाटिक कैंसर तक हो जाता है, और अगर पैंक्रियाटिक कैंसर ना हो
तो डॉक्टर एक और ड्रग देगा जो इंटेस्टाइन को फोर्स करेगी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्लोली रिलीज करे, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इससे इंटेस्टाइन और कोलोन में ट्यूमर और कोलोन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर आपको एक और ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा जिसका नाम है गेटाजोन्स। ये ड्रग पूरे बॉडी के सेल पर एक साथ काम करेगी ताकि सेल कम मात्रा में इंसुलिन से भी फूड को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इस ड्रग का प्रॉब्लम ये है, जो पेशेंट सालों तक ये ड्रग लेते हैं उन्हें ब्लैडर कैंसर हो जाता है। इसीलिए दुनिया के कई देशों में ये ड्रग बैन है, और वहीं इंडिया में इस वक्त 30 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हैं जो ये ड्रग ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लंबे समय से डायबिटीज बीमारी से जूझ रहे हैं और इसका इलाज करवा रहे हैं, तो आगे चलकर ये किसी बड़ी बीमारी पर जाकर ही खत्म होगी और आपको बीमार करेगी। आज भारत में 15% डायबिटिक मरीज ब्लाइंड है, 20% से ज्यादा डायबिटिक मरीज अपने लिम्ब्स खो चुके हैं, और 50% से ज्यादा अधिक डायबिटीज के मरीज किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवाओं का गुलाम है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कहते हैं, टुगेदर वी कैन हेल्प इंडिया फ्रॉम 3 Ds, ड्रग्स, डिसीज एंड डॉक्टर्स। डायबिटीज और इसकी कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए। चलिए, कैसा लगा वीडियो आपको? बहुत शानदार सर। ग्रेट। तो ये हालत है जब हम खाते हैं और किस तरीके से बीमारी का शिकार होते हैं और फिर अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम बन जाते हैं। इससे बचने के लिए एक्चुअली जब आप सोचिए, कोई भी डिजीज है, जब आप दवाई लेना स्टार्ट करते हैं तो दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, ना कि कम होती चली जाती हैं। तो उसी वजह से हम लोगों ने जो प्रोडक्ट निकाले हैं, अगर मैं अब बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा हमारी कंपनी का जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, डायो केयर। तो ये डायो केयर क्या है ये इसके बारे में जानते हैं। जैसे अभी डायबिटीज के बारे में हमने आपको पूरा वीडियो भी दिखाया और बताया भी इसके बारे में। तो डायो केयर के अंदर जो चीजें डली हुई हैं वो नेचुरल चीजें हैं सारी के सारे। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे जामुन, गुड़मार, शुद्ध शिलाजीत, शतावरी, गिलोय, चिरायता, दारू हरिद्रा, बड़ा गोकरू, त्रिफला, बहेड़ा, दालचीनी, त्रिकुट, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर आदि, ये सारे के सारे प्रोडक्ट इसके अंदर हैं। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व जो है आयुर्वेद की तरफ मूव कर रहा है। सो ये जो प्रोडक्ट हैं, ये जो टैबलेट अगर आप लेंगे, इससे क्या क्या फायदे होते हैं और अगली स्लाइड बताता हूँ मैं। एक तो ये क्या करता है, रक्त में शुगर लेवल को संतुलित रखता है। सभी प्रकार के डायबिटिक, जो तीनों प्रकार के डायबिटीज है उसमें से लिया जा सकता है। रक्त विकार करता है डिसऑर्डर्स को, डायस्यूरिया करता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करता है। इसके साथ साथ एक मिनट जरा विजिबिलिटी शायद आधी स्लाइड्स की होगी। राइट, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। आप यहाँ पर इस पिक्चर में अगर देखेंगे हेल्दी और डायबिटिक कैसे होते हैं, सेल्स हमारे किस तरीके से ये किडनी को अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। इसके अंदर जामुन का जो काम है, जामुन, गुड़मार, शतावरी, जितने भी मैंने हर्ब्स बताई हैं, इनका अलग अलग काम है। जैसे त्रिफला की अगर हम बात करें तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, राइट। तो इसी तरीके से जितने भी हमारी जो ये जड़ी बूटियां हैं, ये अपना अपना काम करती हैं, और इससे कोई साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होते बिकॉज आयुर्वेद में जो है कोई साइड इफेक्ट वाला कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। तो जैसे आप यूज भी करते हैं, दालचीनी खाने में भी यूज करते हैं, राइट। नीम जो है इसके अंदर डला हुआ है। अब नीम आप देखते हैं कि बचपन से जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुझे अभी भी याद है कि दांतों या नीम के पत्ते की कोपल जो वो खानी होती थी, या कहीं चोट लग जाए तो उसका जो छिलका होता है नीम के पेड़ का, उसको पीस के लगा दिया जाता है। और आज भी अगर आप ब्लड प्यूरिफिकेशन के नाम में जानेंगे तो नीम से बेहतर कुछ है नहीं। इसके अलावा इसके अंदर शिलाजीत भी है। तो ये सारी चीज़ों का एक बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन है जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि सर क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है? तो डायबिटीज उसी तरीके से है जैसे जुकाम आपको होता है। जब आपको जुकाम होता है वो 6-7 दिन तक रहता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में अभी अगर आपने जुकाम की कोई दवाई ली है तो आप लाइफ में कभी दोबारा जुकाम आपको नहीं होगा। जुकाम तो होता है ना,
तो डायबिटीज भी वैसे ही है, हमारा रहन सहन और हम जब अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो डायबिटीज कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो ये इसको क्योर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे क्योर नहीं किया जा सकता। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को कि थोड़ा सा व्यायाम आपको करना है, दूसरा अपना खाने का जो स्टाइल है उसमें चेंजेस लेके आने चाहिए। 12 बजे से पहले आप सिर्फ कच्चे फल सब्जियां ये खाइए, चाय या जितना भी शुगर के आइटम वो सब छोड़ दीजिए। तो अभी आज त्योहारों पे आपने देखा होगा तो मीठा एक ऐसी चीज है जो हर जगह हर टाइम खा सकते हैं और खाते हैं जहां भी हमें मौका मिलता है। अगर किसी ने कुछ कोई खुशी है कुछ भी चीज है तो आजकल तो एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कुछ मीठा हो जाए कुछ खास हो जाए, तो मीठा जब आप खाते हैं उस स्पीड से हमारी कैलोरीज बर्न होती नहीं है, हम फिजिकल एक्सरसाइज उतना करते नहीं है, उसकी वजह से वो जो है हमारे शरीर पे लोड पड़ने लगता है, राइट। तो ये जो टेबलेट है, एक टेबलेट सवेरे एक टेबलेट शाम को आपको लेनी चाहिए, और ये टेबलेट के साथ साथ ये अपने आप में इनफ है चीजों को करने के लिए। बट उसके अलावा हमारे एक दो प्रोडक्ट और हैं जिनके बारे में बताऊंगा, एक कॉम्बिनेशन है ये ग्रुप है। तो अब आप कहते हैं डायबिटीज, मेरे ख्याल आपके हर एक के घर में कोई ना कोई एक आध परिवार की तो बात मैं नहीं करता, अदरवाइज 90% लोगों के घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से कुछ ही परसेंट लोग होंगे जो अपनी कंपनी का या हमारा या आयुर्वेद का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स पे बिलीफ लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, डॉक्टर्स की दवाइयां लेते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अगर कुछ लोगों को 5-6 साल से डायबिटीज है तो पहले सिर्फ उनको डायबिटीज थी लेकिन अभी उनकी आंखों की भी प्रॉब्लम होने लगी है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम होने लगा है, किसी को घुटनों में दर्द होने लगा है। तो यानी कि वो जो दवाइयां आप खा रहे हैं एलोपैथिक उनका जो साइड इफेक्ट है वो अब नजर आने लगा है, राइट। इसके साथ साथ एक हमारा ये दूसरा प्रोडक्ट है गुड बाय डायबिटीज, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, अपने आप में संपूर्ण एक तरह का फूड है और इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेंगे, फैट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, एनर्जी लेवल मिलेगा। तो जो करेला इसके अंदर है, अब करेला अगर आप देखेंगे, मैं लास्ट टाइम शायद आपको बताया था, फिर बता देता हूँ कि हमारा ये जो दो हिस्से है ना, ये जुबान जो टेस्ट करती है हमारी जुबान को जो जो अच्छा लगता है, अगर अभी मुझे कुछ खाने का मन हो, आपको कुछ खाने का मन हो, जलेबी खानी है, पिज्जा, बर्गर, समोसे, तो टेस्ट यानी कि जिन चीजों का टेस्ट अच्छा लगता है, हम कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया गोलगप्पे का नाम सुनते ही, तो वैसे ही जिन चीजों का टेस्ट अच्छा लगता हो जीभ से, वो सारी की सारी चीजें शरीर के लिए हानिकारक हैं। आप कुछ भी उठा के देखो जो आपको जीभ को अच्छी लगती है और जो जीभ को पसंद नहीं है, वो सारी की सारी चीज शरीर के लिए लाभदायक है। अभी आप अपने घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप रोटी खिलाइए, सब्जी हरी सब्जी खिलाइए, नहीं खाएंगे, सलाद नहीं खाएंगे, लेकिन आप उनको पिज्जा देंगे दे दीजिए तो पिज्जा मतलब समझ लीजिए कि किसी के हाथ में नहीं आने देंगे और सबसे पहले वही खाना चाहेंगे। तो ये फास्ट फूड का जो चलन है, फास्ट फूड इतना जल्दी बच्चे क्यों खाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की जीभ के लिए तो अच्छे हैं टेस्ट के लिए, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। तो इसके अंदर करेला है, करेला जो है बहुत बेहतरीन जो है वनस्पति है, सब्जी है, और उसका जो करेले का पाउडर जब आप लेते हैं, इसके अंदर मिक्सन किया हुआ करेला हो गया, नीम हो गया, वीट ग्रास हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड को और जो सेल्स को जो बैलेंस डाइट चाहिए होती है, जो एक डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो चीज चाहिए होती है, सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। तो ये दो चीजें फिलहाल, ये आपको नेक्स्ट वीक में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, बहुत अच्छी पैकिंग के साथ ये प्रोडक्ट अभी आ रहा है। तो डायो केयर और ये अपना जो है गुड बाय डायबिटीज, तो ये ब्लड शुगर में शुगर कम करता है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, पाचन क्रिया को सक्रिय करता है, हाथ पैरों की जलन को कम करता है, नस की कमजोरी को दूर करता है, कफ दोष को दूर करता है। तो ये आप पाउडर है तो एक टेबल स्पून जो है आपको सवेरे और शाम ले लेना चाहिए ये, राइट। तो एक ये प्रोडक्ट है। इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है तुलसी। तुलसी को जो है जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में बेसिल भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, और ये प्रोडक्ट मेरे पास से बहुत शानदार है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, अभी इवन ग्रहण हुआ था तो ग्रहण के दिन जब लोगों ने कहा कि कुछ भी खाना है,
तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल देना चाहिए। इवन जब पहले बुखार होता था तो काढ़ा बनता था तुलसी का, और काढ़े से जो बुखार ठीक हो जाते थे, क्योंकि पहले 30-40 साल पहले इतने हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो घरेलू नुस्खों से ही चीजें होती थी। हमारे घर के बीच में तुलसी होती बहुत ही पवित्र मानी जाती है, तो इसके अंदर जो है नेचुरल पारा होता है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुलसी को अंग्रेजी में बेसिल कहा जाता है। भारत में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व है। इसका महत्व सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य के नजरे से भी बहुत ज्यादा है। घर में पूजी जाने वाली तुलसी इंसान के अंदर पनप रही बीमारियों को भी खत्म करती है। तुलसी में 26 तरह के 26 टाइप्स के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं। राइट, इतना ही नहीं, आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी दवाई में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इवन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तुलसी का फेस वॉश भी आ रहा है, नीम तुलसी, हाँ, इसके अलावा आपका क्रीमें भी आ रही हैं, आप जितनी जड़ी बूटियां ले रहे हैं उनमें तुलसी होता है, कफ सिरप में तुलसी होता है, हर चीज में। इवन आजकल आप कैफेटेरियाज वगैरह में जाते हैं तो तुलसी चाय अलग से मिलती है। तो ये सारी चीजें का इसमें इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। तुलसी के पत्ते के इस्तेमाल से बड़ी बीमारी को खत्म किया जा सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। आज आपको बताएंगे तुलसी के उपयोग और फायदे के बारे में। तुलसी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जैसे जुकाम हो गया आपका, जैसे इम्यूनिटी की बात हो रही थी बीच में जब ये कोविड आया था, और अभी आजकल डेंगू चल रहा है बहुत ज्यादा। तो अगर आप डेंगू से अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, जब भी आप पानी लें तो पानी के अंदर एक, जैसे ज्यादातर लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सब घर में बॉटल रखते हैं, जैसे मैंने भी ये बॉटल पानी की रखी हुई है, तो बॉटल में ही 8-10-20 ड्रॉप इसमें तुलसी की डाल के रखें और उसी पानी का सेवन करें। तुलसी को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, बाकी ग्रीन टी में आप ले सकते हैं, पानी के अंदर ले सकते हैं। और अगर आपको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो करना क्या है, आपको आधा कप गर्म पानी लेना है, जितनी गर्म चाय आप लेते हैं उसमें 8-10 बूंद जो है तुलसी की ड्रॉप की डालनी है, और उसको सिप बना बना के दिन में 4 या 5 दफा, आपको हर 4 घंटे बाद आपको इसका सिप बना बना के पीना है, तो यकीन मानेगा आपका जुकाम जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। राइट, ये आपको मानसिक शांति में भी जो है रिलीफ दिलाती है। इसके साथ साथ इसको, जैसे कई लोग गांव में रहते हैं, अभी मच्छर लग रहे हैं, तो आप तुलसी को हाथ में लगा के आप ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सी सारी जगह, जैसे बेंगलोर में हमारा प्रोडक्ट एक जाता था तुलसी का बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा यार बेंगलोर में इतना यूज़, ये वो भी IT के इंजीनियर्स क्यों यूज़ करते हैं। तो जब उनसे बात करी मैंने कि सर आप करते क्या हो, इतना तुलसी आप मंगाते हो, तो उन्होंने कहा सर हम क्या करते हैं, जो ऑल आउट होता है ना, ऑल आउट को जब वो खाली हो जाता है तो उसमें ये तुलसी डाल लेते हैं, और रोज 4-5 या 10 बूंदे जो है रोज जो है वो उसमें डाल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे डालने से एक तो प्रेगनेंस आती है, और एक उसमें वो होता है, एक मिनट, सॉरी, तो थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अपना कैमरा ऑन रखते हैं ना, या तो उसको कमरे को बंद कर दें, और अगर मतलब अगर ढंग से बैठ के तरीके से ट्रेनिंग ली जाए तो अच्छा लगेगा हमें भी। लोग डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, मतलब ये अच्छे से ढंग से, किसी का छत दिख रही है, तो प्रॉपर तरीके से जैसे क्लास होती है, क्योंकि एजुकेशन ट्रेनिंग है, अगर हम लोग अपना चेंज नहीं करेंगे सिस्टम को तो थोड़ा गलत हो जाता है, माइंड डाइवर्ट होता है। राइट, सो तुलसी खुजली जब होती है, जिनको इचिंग होती है, अब आप तुम्हें बताना चाहूंगा इचिंग क्यों होती है। इचिंग इसलिए होती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स ज्यादा होते हैं, या हमने एलोपैथिक दवाइयां ज्यादा खाई हैं, या हम लोगों ने तंबाकू या नशा बहुत किया है, या हम स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं,
तो जब पूरा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो हमें इचिंग होने लगती है। हमारे जो स्किन की 7 लेयर्स होती है, 7 लेयर्स, अब जब जो पहली लेयर खराब होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं लेयर को जब वो ऊपर आने लगता है तब इचिंग लगती है। आपने देखा होगा जब चोट लग जाती थी हमें पहले कई बार, और वो जब जख्म भरने वाला होता है तो तब बहुत खुजली लगने लगती है, आपको इचिंग होने लगती है। इसका मतलब ये कि आपकी जो ऊपर की जो लेयर्स हैं स्किन की, वो बननी शुरू हो गई, वो कंप्लीट हो रहा है, वो ठीक होने जा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, जब आप ये तुलसी रहित, मतलब तुलसी सहित पानी पियेंगे, तुलसी डाल के रेगुलर पानी पियेंगे और ज्यादा मात्रा में पानी पियेंगे, तो आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो टॉक्सिन्स जो है मलमूत्र के जरिए बाहर निकलेंगे। जब वो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो उसके बाद आपको ये इचिंग होनी बंद हो जाएगी, राइट। और इसको जहां इचिंग होती वहां पर भी इसका आप लेप लगा सकते हैं, मल सकते हैं इसको, राइट। इसके साथ साथ क्या क्या फायदे पहुंचाता है आपको, तनाव से मुक्ति दिलाता है, रोगाणु मुक्त जीवन देता है, शारीरिक शक्ति में वृद्धि करता है, सूजन को कम करता है, जितने भी विषा निकासी में मदद करता है, जो टॉक्सिन्स की मैंने बात की, विकिरण से सुरक्षा, गैसीय अल्सर से मुक्ति, बुखार में कमी, पाचन शक्ति को सुदृढ़ करता है, बांझपन से ये मदद करता है। बांझपन जिन लोगों को कंसीव नहीं होता है, रेगुलर अगर वो पानी का सेवन करते हैं तुलसी के पानी का, तो बांझपन भी दूर हो जाता है। लुकोरिया की जो प्रॉब्लम है, सफेद पानी जिसे कहते हैं, वो जब आता है ज्यादा, उसमें भी मदद करता है ये। तो आप निरंतर इसको गर्म पानी के, अभी तो ठंड है, सर्दियां आ गई हैं, तो गुनगुने पानी के साथ अगर इसका आप सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा आपको इसके फायदे मिलेंगे। सिर दर्द में बहुत फायदेमंद है, जब सिर दर्द होता है तो इसकी कुछ बूंदे आप रब भी कर सकते हैं, और गर्म पानी के साथ इसका सेवन करेंगे रेगुलर, तो धीरे धीरे सिर दर्द कम होने लगता है। चेचक के से बचाव करता है, क्योंकि जब आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, 90 दिन से 120 दिन के अंदर उनको नवनिर्वाचित होने का जो है बनते हैं वो, तो 3 मंथ्स अगर आप रेगुलर 3 से 4 महीने 5 महीने रेगुलर इसका पानी पी लेंगे तो आपको बीमारियां मुश्किल से होंगी। इवन मैंने देखा है जो लोग रेगुलर पिछले 10-15 साल से तुलसी लेते हैं, उनको मच्छर तक नहीं काटता। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है बहुत प्यूरिफाई होता है, और इसकी जो हल्की सी स्मेल भी उसके अंदर रहती है, स्किन के अंदर। जिन लोगों को स्वप्न दोष होता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उनको रेगुलर ये लेना चाहिए, दिन में 3 बार कम से कम। एंड त्वचा के, इसके लिए त्वचा के बहुत फायदे हैं तुलसी के लेने से, तो सिर्फ बीमारी दूर नहीं करती, बल्कि जब आप नहाते हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा कि लोग क्या करते थे, डिटॉल डाल लेते थे, गर्म पानी, पानी बाल्टी में डिटॉल डाल लिया और फिर उससे नहाते थे, तो उसी तरीके से आप सब लोग तुलसी का जो प्रयोग जो है पानी में नहाती दफा 8-10 बूंद डाल के और उसके बाद नहा सकते हैं उससे, ठीक है। इसका ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और चेहरे के मुहासों को भी दूर करता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है इस। तो ये जो तुलसी मैंने आपको बताया ये था, और एक प्रोडक्ट और है जो है हमारा रक्त शोधक, ये रक्त शोधक टोनिक है। और ये 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं डायबिटीज के लिए, पहला है डायोकेयर, दूसरा प्रोडक्ट है गुड बाय डायबिटीज, तीसरा तुलसी, और चौथा ये रक्त शोधक। तो ये रक्त शोधक तो अभी आपको 200 ml का बॉटल आता है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है इसका। अगर आप इन 4 चीजों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप यकीन मानिएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर, आप पहले अभी अपनी रिपोर्ट्स चेक कराइए, उसके बाद ये प्रोडक्ट हमारे यूज कीजिए, फिर आप देखेंगे तो आपके 100% जो डायबिटीज है उसमें आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये रक्त शोधक का जैसा कि नाम ही शो करता है कि भाई आपका खून साफ करने का काम करता है, तो ये कॉम्बिनेशन है 4 प्रोडक्ट का जो डायबिटीज के लिए आप लोगों को लेना चाहिए और लोगों को देना चाहिए। तो फिलहाल ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, इसके बारे में किसी को भी कुछ क्वेरी करनी हो तो आप कर सकते हैं, तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके जो चीजें हैं, जो ऑफर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। समीर जी, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अगर कोई आज की ट्रेनिंग के ऊपर कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे सर से, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को मौका देना चाहूंगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कल्पना गर्ग जी से। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल रख सकते हैं। कल्पना जी, कोई और हैं जो हैंड रेज करेंगे, मैं आप लोग को। गुड मॉर्निंग सर।
या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कल्पना जी। सर क्वेरी कुछ नहीं थी, बस यही था कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, काफी नॉलेजेबल था, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू कल्पना जी। नेक्स्ट इज सालू जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। यस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सालू जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूं सर, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी जी प्लीज प्लीज। सर ये मेरी क्वेरी थी कि अलोंग विद एलोपैथी हम ये सजेस्ट कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इनिशियली जब जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी इलाज चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि उनको एकदम हमें बंद करवाना है। आप धीरे धीरे आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर उनकी जो मेडिसिन, अगर वो 4 टेबलेट ले रहे हैं दूसरी एलोपैथिक, तो वो एक एक करके कम कराते रहिए, और एक महीने बाद मुझे नहीं लगता कि उनको एलोपैथिक लेने की जरूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि वो जाते ही वो बंद कर देते हैं और ये लेना शुरू कर देते, तो वो कहते हैं जी हमारी डायबिटीज बढ़ने लगी। क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जैसे मैंने बताया सेल्स पे लगता है, तो लेकिन 100% उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा और कोई भी साइड इफेक्ट्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इनमें कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, आपको एक छोटी गोली देगा एक बड़ी देगा, यानी कि एक एंटीबायोटिक देगा तो उसका तोड़ करने के लिए एक छोटी दूसरी देता है, इसलिए उनको कॉम्बिनेशन में देना होता है। अब चूंकि ये 4 प्रोडक्ट हमने बताए आपको, तो 4 प्रोडक्ट पूरी हेल्थ के लिए, मतलब पूरे शरीर के लिए, हम पर्टिकुलरली ये नहीं कहते कि डायबिटीज, क्योंकि अगर हम बात करें तुलसी तो सिर्फ वो डायबिटीज ही ठीक नहीं करेगा, वो आपका जुकाम भी ठीक करेगा और भी कई चीजें ठीक करेगा, तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट बॉडी की हर बीमारी के ऊपर काम करते हैं, जबकि एलोपैथिक पर्टिकुलरली उन डिजीज के ऊपर या उन ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है। राइट जी, थैंक यू शालू जी। नेक्स्ट कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं जरूर मौका देना चाहूंगा। हैंड रेज करिए ताकि मैं आपको आइडेंटिफाई तुरंत कर सकूं और आपको मौका दे सकूं। ओके मैं मौका देना चाहूंगा सुबोध कुमार जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सुबोध जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया है सर। जी बताइए। जी बहुत खुशी हो रहा है जो मीटिंग में हम भी आज भाग ले सके। थैंक यू। जी हम तो शुगर तो बहुत आम बीमारी हो चुकी है आज, पहले तो सारों की बीमारी थी, अब तो देहात में भी घुस गई है जी, तो हम लोग सजेत होना चाहिए। लेकिन अभी हम जो है ना थोड़ा सा हम अर्थराइटिस से ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे। अगली ट्रेनिंग सर अर्थराइटिस जॉइंट पेन के ऊपर ही करेंगे, नेक्स्ट वीक में करूंगा, जिसमें हम जॉइंट के ऊपर बात करेंगे पूरा अर्थराइटिस। या डायबिटीज से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछे सर। नहीं इससे रिलेटेड अभी मेरे पास जितना आपने बताया ना वो काफी है। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सुबोध जी। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। चलिए सर समीर जी एक क्वेश्चन और ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। यस सर। यस सर। ओके और एक क्वेश्चन लेते हैं, हैंड रेज करिए ताकि मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर सकूं और अनम्यूट कर सकूं। I think there is no question, so we should proceed. अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर बहुत लोग के क्वेश्चन होंगे। जी। चलिए ग्रेट, तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो चीज वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत रेयरली कोई कंपनी इतना कुछ कर पाती किसी के लिए। एंड 20 नवंबर का, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 20 नवंबर को हमारी कंपनी का एक मेगा इवेंट होने जा रहा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, और ये चौथी एनिवर्सरी कंपनी की बन रही है। इन चौथी एनिवर्सरी के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे हिंदुस्तान भर से। एंड मैं जानता हूँ जैसे जिन लोगों का अभी बर्थडे आता है तो वो एक तरह की सालगिरह जब आती है, शादी की सालगिरह जब आती है तो बहुत जश्न हम बनाते हैं, खर्चा करते हैं, केक काटते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं, पोस्ट निकालते हैं, पोस्ट डालते हैं पूरा फेसबुक पे, और रात के 12 बजे भी जब वो डेट चेंज होने वाली होती है उस रात पे भी बेड के ऊपर जो केक रखा होता है बिना परवाह किए कि हमारा बेडरूम दुनिया देखेगी, उसके बावजूद हम वो फोटो पोस्ट करते हैं क्योंकि वो एक जुनून और एक लगन और जो इंतजार होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आज जब हमारी कंपनी का जो साल पूरा हो रहा है, 4 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं, तो ये एक एनिवर्सरी है, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, वो उसकी माँ का एक दर्जा होता है,
बिकॉज जहां से हमें रोजगार मिलता है, जहां से हमें मान सम्मान मिलता है, जहां से हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के सपने पूरे होते हैं, उसका, उससे जुड़ी हुई कोई भी चीजें जो है उसका सम्मान हमको करना चाहिए, और ना सिर्फ सम्मान करना चाहिए बल्कि बढ़ चढ़ के उसमें हमको हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों, कई लोग जब अभी कुछ कुछ छुट्टियां होती हैं, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, तो हम लोग पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, उसमें लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं, जिनकी जितनी कुबत होती है, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, उतने पैसे हम खर्च करते हैं। लेकिन मैंने देखा है जब हम बात करते हैं कि कंपनी का कोई इवेंट है तो लोग बात करते हैं जी आने जाने का खर्चा कौन देगा, तो जहां से सब कुछ मिल रहा है, जहां से रोजगार मिल रहा है, जहां से सम्मान मिल रहा है, वहां पर हम बात करते हैं कि हमको खर्चा कौन देगा। और जहां पर आप जा रहे हैं घूमने के लिए, नैनीताल या फिर कुल्लू मनाली या फिर बेंगलोर ऊटी कहीं जा रहे हैं आप, तो वहां का खर्चा कौन देता, वहां की गवर्नमेंट तो नहीं देती होगी कि भाई साहब आप बिहार में रहते हैं और या राजस्थान में रहते हैं तो आप हमारे शहर में आइए, हम आपको खर्चा भेजेंगे, ऐसा होता है समीर जी कहीं का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता सर। नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है कुछ दिनों से कुछ चीजें हमने देखी जिसका एक सिस्टम बहुत बहुत गलत तरीके से प्रमोट हो रहा है। तो कंपनी की वजह से हम सब हैं, कंपनी है तो सब कुछ है, और इसको जैसा आप बड़ा करना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर, वैसी ये चीजें होंगी। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कीजिए, थोड़ा सा थॉट बदलिए। आप सब जैसे अपने, जैसे हम सब, मैं मानता हूं हम सब सच्चे हिंदुस्तानी है, जब हिंदुस्तान की बात आती है, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी हम पूरे दिन की छुट्टी करके मैच देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी जो फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, हमारी जो भावनाएं जुड़ी होती है हमारे देश की मिट्टी से, बिकॉज हम मिट्टी में पैदा हुए हैं तो हम सब जानते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह का लगाव इस जमीन से, इस धरती माता से है, उसी तरह का लगाव हमें हमारी कंपनी से और हमारे काम से भी होना चाहिए। कई लोग कहते हैं काम में सम्मान नहीं मिल रहा, चीजें नहीं मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम उसको वो चीज दे नहीं पा रहे। तो सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होता है इस दुनिया के अंदर, हाँ हमको सर्वगुण संपन्न बनाना पड़ता है, अपने आप को उस तरह चीजों में ढालना पड़ता है। तो दोस्तों 20 नवंबर का जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब आप सोच रहे हैं यार मैं तो इतनी दूर रहता हूँ, मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा उसका टिकट, तो आपको 20 नवंबर, अभी 20 नवंबर फिक्स है, हमने ये पिछले महीने बताया था, इवेंट के अंदर भी बताया था, इसके ऊपर टीजर्स भी बन गए, अभी वीडियोस भी आ रही है, रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट आ रही है। तो 20 नवंबर जब आप जानते ही हैं तो 20 नवंबर का एटलीस्ट अपना टिकट अभी से बुक करा के रखें, और आप क्या हिस्सा बनना चाहते हैं उसका, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर अभी आप घर में कोई शादी होती है, अभी नवंबर में मेरे ख्याल अभी दिवाली के बाद जो है शादियों के साये शुरू हो जाएंगे, तो आपके घर में अगर 10 शादी के कार्ड आते हैं तो आपको कोशिश रहती है कि मैं 10 की 10 शादी अटेंड करूं, ये सुनो, उसके लिए आपको कपड़े भी खरीदने पड़ते हैं, कन्यादान भी देना पड़ता है, अपने पैसे भी लगाने पड़ते हैं, मिलना कुछ नहीं, 1 घंटे जाएंगे, शादी दुल्हे दुल्हन की होनी है, आपको कोई नहीं देख रहा वहां पे आपके लोगों के सिवाय, या खुद ही हम देखते हैं, और 1 घंटे 1.5 घंटे में वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो फंक्शन है, ये जो जलसा होने जा रहा है 20 नवंबर को, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखा जाएगा और आपके मान सम्मान को दूर दुनिया के पटल पे दिखाया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने आप को तैयार करना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने अंदर एक इच्छा शक्ति लेके आनी है कि यस मैं भागीदार बनूंगा इस देश का भी और इस कंपनी का भी। वाय? बिकॉज जब इस कंपनी में आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आप GST TDS सब पे करते हैं, तो इस देश की जो वो है फाइनेंशियली उसमें स्ट्रेंथन लेके आते हैं आप। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो चीज ये कि इस बार जब दिल्ली में फंक्शन हो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, तो आप अकेले ना आए, अपने साथ कम से कम जो भी इंडिविजुअल है, जो लीडर्स हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल एक आदमी की बात करता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जो जीता है, जो सांस लेता है, जो संसार में और समाज में रहता है, उसको उसको अगर उसके घर में शादी हो रही है तो मेरे ख्याल 300 से 400 लोग उसके घर में शादी अटेंड करने के लिए आते हैं, यस और नो? और वो क्यों आते हैं शादी अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनको हम फोन करते हैं, उनको हम इन्विटेशन कार्ड्स देते हैं, उनको बार बार बताते हैं कि हमारी शादी में जरूर आना, राइट? तो इमोशंस उसमें जुड़ी होती है, जैसे नीचे बच्चों का नाम लिख के चुन्नू और मुन्नू के नीचे मेले मामा की शादी में जुलूल जुलूल आना, ऐसे भी लिखा रहता है, तो इमोशंस से जोड़ते हैं, राइट? रीजन के लोगों को बुलाना है। उसी तरीके से उस थॉट प्रोसेस से अगर हम चाहेंगे तो हम 20 नवंबर को पूरी ताकत लगा के
लोगों को स्टेडियम में लेकर आएंगे ताकि लोगों को और दुनिया को बता सके कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी कंपनी क्या कर रही है और आप लोग एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो पहली चीज, दूसरी चीज ये कि खुद आ जाना कि साहब मैं तो आ गया, ठीक है आप आ गए मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वजूद मार्केट में इतना भी नहीं है कि 10 लोग आपके कहने से चल सके। क्या आप मार्केट में इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आप किसी को कहें और आपको फॉलोवर कितने? हम लोग कहते हैं, कई लोगों को मैंने सुना है कि साहब आपकी लाइफ का सपना क्या है, तो वो कहता है कि सपना ये कि जब मैं मरूं तो 10 लाख लोग मेरे पीछे जाएं। अरे वो 10 लाख लोग तब जाएंगे आपके पीछे मरने के बाद, पहले जीते जी उन 10 लाख लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप बने ऐसा कुछ काम कर दिया कि 10 लाख लोग आ जाएंगे आपके पीछे। आजकल तो खुद के बच्चे नहीं आए, कोविड में देखा आपने, जिनके खुद के माँ बाप थे उनके बच्चों ने उनको नहीं दी अग्नि, तो आप किसकी बात करते हैं। लेकिन हाँ, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं निस्वार्थ, तो लोग आपको मतलब सात समुद्र पार से भी आपके पास आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये प्रूव करना है कि आप जीते हो, आप जिंदा हो इस धरती के अंदर, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ करने के लिए आए हो, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। 10, 20, 50 लोगों को अपने साथ लेके आना है और दिखाना है कि आप क्या कर रहे हैं। वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना करियर बना रहे हैं। और करियर कहाँ बनता है? जैसे आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आप सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जॉब करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आने जाने में 2 घंटा, तो आप कितना काम करते हैं? 11, 12, 13 घंटे पूरी ताकत आप लगाते हैं, पूरा एजुकेशन अपना देते हैं, आपके पास जो भी एक्सपर्टीज है वो देते हैं, उसके बावजूद भी आपका जीवन सिर्फ चलता है, सपने पूरे नहीं होते उससे कि आपको विदेश की यात्राएं मिल जाएंगी, आपको कार भी मिल जाएगी, आप फ्री माइंड होकर काम कर सकते हैं, आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, वो सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर संभव है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक आदमी, और खासकर बिहार के लोगों के बारे में तो एक कहावत है कि एक बिहारी सो पे भारी, तो वो कहावत अभी तक मैंने सिर्फ सुनी है, देखी नहीं है। अगर आप में सच में एक के पास पीछे 100 बिहारी हैं, तो जितने बिहारी आए वो सब बिहार से लोग ज्यादा होने चाहिए और इवेंट दिल्ली के अंदर डंका लगना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक, अभी इसमें स्लाइड शेयर करूंगा और उसको समझ लेते हैं क्या ऑफर आप लोगों के लिए आया है। सेकेंड, मुझे बताना जब शेयर हो तो। जी सर, अभी शेयर हो रहा है। हो गई सर, आ गई, क्या बात है, गजब। आप देखिए, ये हमारे समीर साहब ने बनाया पोस्टर, एक बार समीर साहब के लिए भी जोरदार तालियां, बहुत मेहनत, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बोनांजा है और दिल थाम के बैठी बता रहा हूँ आपको, तसल्ली से सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद सवाल ठोकिएगा। सबसे पहला ये कि कार ऑफर है 27 तारीख यानी कि आज से लेकर और 31 अक्टूबर तक। इसमें आपको करना क्या है, आपको रीपर्चेज ऑन सेल्फ आईडी यानी कि 25,000 रुपए, मैं फिर बोल रहा हूँ, 25,000 रुपए की सेल्फ परचेज अगर आप अपनी आईडी पे करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कार ऑफर के लिए, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपए के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मिलेंगे डीपी रेट पर मुफ्त। लेकिन ये उन लोगों को मिलेंगे जो कार परचेज करेंगे। इसमें एक फैसिलिटी और है कि 40 से 50 हजार रुपए का जो डिस्काउंट आम आदमी को नहीं मिलता है, कंपनी अपनी कोशिशों के कारण 50-1,000 तक का, 40 से 50 हजार का जो है एक डिस्काउंट आपको मिलेगा, 50,000 के प्रोडक्ट आपको मिल गए, राइट, जिसको आपको लौटाना नहीं है, ना उसकी बिलिंग होगी, और 25,000 रुपए का आप अपनी चॉइस का सामान ले सकते हैं। तो लगभग आप देखिए 1,25,000 रुपए का एक प्रॉफिट है। लेकिन कोई लोग कहते हैं जी 25,000 रुपए तो मैं नहीं परचेज कर सकता, नो इशू। उनके लिए क्या, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, 75,000 बीवी मैचिंग कीजिए इस क्लोजिंग में, और आपको सेम बेनिफिट मिलेगा यानी कि 50,000 के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मिलेंगे मुफ्त डाउन पेमेंट के रूप में, और उसके साथ साथ आपको जो है जो डिस्काउंट कार का मिलेगा वो कार का डिस्काउंट मिलेगा।
ये तो हुआ एक ऑफर, इसमें जो सवाल है लिख लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन आंसर करूंगा तो उसमें बताऊंगा। उसके बाद दूसरा है बैंकॉक टूर। आप लोगों को पीछे जब हमने सेमिनार किया था तब हमने बताया था कि भाई बैंकॉक टूर जाएगा, 2-2 लाख बीवी करना है, तो अब मैं बताना चाहूंगा अगस्त से ये एलिजिबिलिटी है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी 60,000 बीवी रीपर्चेज के अंदर बात कर रहा हूं मैं, रीपर्चेज प्लान में 60,000 बीवी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ये मुफ्त 4 दिन और 4 नाइट और 5 दिन का बैंकॉक का एक लग्जरी टूर आपको मिलेगा जो फरवरी के एंड में हम लेके जाएंगे 2023 में। अब एक सवाल और आएगा कुछ लोगों का कि सर हमने तो अभी ज्वाइन किया अक्टूबर में ही, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या है, सेकंड कंडीशन है अक्टूबर 1,20,000 बीवी आपको करना है, नवंबर में 1,20,000 बीवी मेंटेन करना है और दिसंबर और जनवरी में 60,000 बीवी करना है। नाउ कोई आदमी कहेगा जी मैं तो नवंबर में ही, अभी आप कहेंगे जी नवंबर तो आने वाला है उसमें ज्वाइन किया है या जो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए 1-20, 1-20, 1-20 3 महीने करेंगे तो भी आप दोनों के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि जो व्यक्ति इसको क्वालिफाई करे या उसको करे तो दोनों में हम एलिजिबिलिटी माने जाएंगे। उदाहरण बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 75,000 बीवी मेंटेन किया, अब 75,000 बीवी मेंटेन किया है तो वो 60,000 इसके लिए भी एलिजिबिलिटी उसकी मानी जाएगी, राइट? तो ये दो ऑफर है और आई थिंक बहुत अच्छा ऑफर है। आप सोचिए जब आप ये कार अचीव करेंगे, पहली चीज ये जिंदगी में जिन लोगों के पास बाइक है, बाइक और कार में बहुत जमीन आसमान का फर्क क्या है, जैसे ही आप बाइक से कार में चढ़ेंगे आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है, आपको धूल से बचने का मौका मिल जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल फैमिली को भी एक सुकून मिलता है। जैसे आज भैया दूज है तो देख रहे हैं लोग अपने मायके जा रहे हैं तो बाइक पे बच्चा भी लटकाया हुआ है, बैग भी लटकाया हुआ है, यहाँ से जा रहा है एक बैग, वहां से शाम को आएंगे फिर 2 बैग लेके आएगा आदमी। तो कहने का मतलब क्या है, उन सबसे आप बच सकते हैं और कार के अंदर जब आप सफर करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आपको देख के लोग मोटिवेट होंगे और ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। मात्र 25,000 रुपये, आप सबके पास जो मोबाइल फोन है आई थिंक वो 25,000 से ऊपर का होगा, कुछ लोगों ने एप्पल का ले रखा है, इंस्टॉलमेंट पे भी लेते हैं वैसे तो 50,000 का 1,00,000 रुपये का हम फोन रखते हैं और उसी 25,000 रुपये में जब आप की खरीदी करते हैं तो आपको उतने का प्रोडक्ट मिलता है, कार खरीदने का मौका मिलता है और आप लोगों के लिए एक जो है उम्मीद बनते हैं। तो ये समीर जी मैंने अभी मेरे ख्याल ये बता दिया है, किसी को भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके, सो सबसे पहले तो इस ऑफर के लिए सारे लोग एक जोरदार ताली बजाइए, इट्स ए वंडरफुल ऑफर कंपनी के तौर से, थैंक यू वेरी मच सर इस ऑफर को हमारे सामने लाने के लिए। अभी जितने लोग इस ऑफर के बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई ये समझ में नहीं आई, अब हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, फिर आप लोग सवाल रख सकते हैं। ये थोड़ी देर में सब ग्रुप्स के पास ये पोस्टर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ओके, विनोद कुमार जी ने हाथ उठाया है। विनोद कुमार वर्मा जी अनम्यूट करिए। जी विनोद जी बताइए। वर्मा जी बोलिए। बेस्ट ऑफर साहब कंपनी का, बहुत अच्छा ऑफर है जी। विनोद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जयपुर के लोग बहुत एक्टिव हैं। हाँ, और इसमें क्या है, आपने आयुर्वेदिक पद्धति का बताया तो अपने आयुर्वेदिक पद्धति में तो बहुत पुराना ऋषि मुनियों का के द्वारा बनी हुई है जी। तो आपने इसको आगे बढ़ाया है जी। और इसमें क्या है, थोड़ा एक ईश्वर की आस्था भी होनी चाहिए, वो जो बनाया था जिन्होंने आयुर्वेदिक को, तो वो ईश्वर की आस्था लेके बनाया था। बिल्कुल सर, ये तो देखो कंपनी का नाम ही ईश्वर की आस्था पे है, केला मैया, रैना मैया और शीतला माता मैया, तो पूरी आस्था है केआरएस की। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है साहब कि कोई भी मेडिसिन लो कंपनी के थ्रू, श्री शिवाय नमस्तु भयम के नाम से लो ताकि वो उसका असर जल्दी हो। ठीक है सर, आदेश का पालन होगा सर। वर्मा जी और बताइए। श्री शिवाय नमस्तु भयम क्यों गए ये ऑफर ऑफर के बारे में पूछेंगे तो फिर देखो कार जब आपके आएगी तब श्री शिवाय नमस्ते करेंगे हम, है ना? ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके थैंक यू विनोद सर। नेटवर्क 10D मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट करके सवाल पूछिए।
और सारे लोग अपने अपने नाम में नाम चेंज करिए जो नाम में आइए, ताकि मुझे आसान हो। प्रवीण भाटिया जी बोलिए। प्रवीण जी वो नहीं आ। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार भाटिया साहब, कहाँ से आप? सर मैं रांची झारखंड से हूँ। अरे वेरी गुड वेरी गुड जी, बोलिए। ये ऑफर के बारे में फिर से एक बार बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कितना समझ में आया आपको, जरा आप बताएं, फिर मैं उसी लेवल पे आपको समझाता हूँ। सर समझ में मतलब 25,000 का प्रोडक्ट परचेज करना है, ये तो समझ में आया। उसके बाद में 50,000 का प्रोडक्ट कंपनी देती है, ये समझ में आया। बाद कैसे डाउन पेमेंट क्या है? नहीं हाँ, मैं बताता हूँ अभी, समझिए। आज आप कार लेने के लिए गए जाएंगे कहीं पर भी, जैसे आप टाटा के शोरूम में कार लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 5 या 10,000 का आपको ऑफर मिलता है। अच्छा ठीक है, कितने हजार का मिलता है नॉर्मली? 5 या 10,000 रुपए का। लेकिन जब आप हमारे थ्रू जाएंगे तो होगा क्या, आपको 40 से 50,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक तरीके से वो डिस्काउंट हो गया। 5 लाख की फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है तो 4.5 लाख ही देने पड़ेंगे ना आपको। तो एक दूसरी चीज क्या है कि कंपनी ये कह रही है कि साहब आप 25,000 के सामान खरीद लो अपनी आईडी पे, तो हम क्या करेंगे आपकी मदद करने के लिए 50,000 का हेल्थ केयर का प्रोडक्ट और दे देंगे, और उसे आप बेच के अपना पैसे उसमें यूज कर लो। समझ गया आपका। दूसरा ये है कि आप कहते हो जी मैं 25,000 की परचेजिंग नहीं कर सकता, तो आपकी लेफ्ट और राइट दोनों में 75,000 बीवी मैचिंग कीजिए तो सेम चीज आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। थाईलैंड का भी बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा नहीं है ना सर। ओके चलिए ठीक है भाटे सर। नेक्स्ट नेटवर्क 10D, नेटवर्क 10D अनम्यूट करिए। हेलो हो गया जी। हाँ जी रशीद जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रशीद जी, बताइए। ऑफर बहुत अच्छा है, सबको पसंद आ रहा है, लेकिन सर आज का दिन खत्म हो गया और आज ऑफर निकाल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं सिर्फ आप 2 दिन, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। लोग कैसे इसको पूरा करेंगे, या सिर्फ नाम के लिए बोला गया कि हाँ ये ऑफर निकाला है? और आपके जैसे लीडर अगर ये बात करे तो मुझे कुछ सर, मेरे पीछे और भी लोग है ना, तो मुझे उनके बारे में भी तो सोचना है ना सब। वो तो मुझे बोल रहा है क्या होता है। सुनिए सुनिए, अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, ये ऑफर तो कंपनी ने मतलब गलत टाइम पे निकाला। कायदे से देखा जाऊं तो ये 1 तारीख से पहले मतलब निकालना चाहिए था, 1 नवंबर से। क्यों? अभी देखो क्लोजिंग सुनो, क्लोजिंग करने के लिए तो वैसे ही धंधा डालना आप लोगों को, बिजनेस करने के लिए पैसा लेने के लिए ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, उसमें थाईलैंड भी कंपनी भेज दिया आपको। तो रही बात डेट की, तो डेट मायने कहाँ रखती रसीद, त्योहारों के लिए बात थोड़ी रखती है। ये सेल पर है सर, ग्रुप पे नहीं है, सेल पर है सर। ये सेल कुछ नहीं करना, सिंपल बैंक में से क्रेडिट कार्ड या सर, वो लेकिन सर वो बहुत सिंपल है। लेकिन दूसरा सर दूसरा बिग पॉइंट ये है कि जो 6 महीने का हमारा ये निकाला है आपने, ऑफर निकाला है 6 महीने का बैंक ऑफ टूर का, उसमें तो हमारा फॉल्ट बताइए ना सर। आपने स्टार्ट ही अक्टूबर में, अनाउंस ही अक्टूबर में कर रहे हो, और 2 महीने का हमारे ऊपर आपने बोझ डाल दिया वो। सुनिए 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 सुनिए, इसमें देखिए 1,20,000 अक्टूबर में है, नवंबर में 1,20,000 है, फिर 60-60 है। अगर वो भी नहीं होता तो थर्ड कंडीशन है, अगर वो भी नहीं होता तो क्या करो, 60-60,000 6 महीने मेंटेन करो, जो अगला टूर जाएगा उसमें जाओ। नहीं तो फिर ये इस बात की श्योरिटी है कि हमेशा यही टूर निकलेगा, ऐसे ही टूर निकलेगा? नहीं नहीं, 60,000 पे तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना आपको श्योरिटी ठीक है 60,000 कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ कहीं ना कहीं तो लोगों को लगे कि हाँ ये है कंटिन्यू, मतलब मिलने वाला टूर है। अब आपने स्टार्टिंग में मेहनत करा दिया, 1,20,000 कर रहे हैं आप उसको, किसी की टीम जैसे लोगों की टीम तो अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत में हम लोगों को आप ज्यादा करवा रहे हो। 2 लाख बीवी का था, 60,000 हो गया पहली चीज, मिलता कुछ नहीं है, देना पड़ता है चीजें। शादी आपने तो कर रखी है, बच्चे है आपके पता है, तो अपने आप नहीं होती चीजें, करनी पड़ती साहब। ये बहुत आसान सा है, अगर 1,20,000 आप सोचिए, 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम, अगर जो खासतौर से जो लीडर हैं, जो पिछले 10-12 साल से 15 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, टीम में अगर 200-200 भी लोग हैं, तब भी 10-10,000 की सेल अगर डलवाई जाए ना, 12-12 लोगों को। हम सर हम 10 लोगों को 20 लोगों को लेके जाना चाहते हैं या 100 लोगों को लेके जाना चाहते हैं, ये बताएं। आप 10-20 करो, 100 तो अपने आप हो जाएंगे रशीद जी। सर वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये आप लीडरों की बात कर रहे हैं, लीडर कर लेगा, लेकिन एक जो
हर जगह से लोगों को निकालना उनके लिए थोड़ा सा टफ है सर, इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, मेरा मानना ये है, सोचा जाए। किसी के लिए टफ नहीं है, ये बहुत सोच समझ के निकाला गया है, और अगर जो इसे भी नहीं कर सकता तो उसे नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना आसान तरीका 60,000 बिजनेस वॉल्यूम भी अगर कोई नहीं कर रहा है फिर, और उसके साथ पेमेंट कंपनी दे रही है, ऑफर कंपनी दे रही है, कार कंपनी दे रही है, तो ये मुझे तो नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है, माइंडसेट का गेम है सारा का सारा रसीद जी। अगर इसे करा जाए तो बहुत आसान है, नहीं करा जाए तो 10,000 भी नहीं हो रहा लोगों से, तो सही बात है, है ना। तो ये ऑफर किस लिए होते हैं? ऑफर इसलिए होते हैं ना भाई, कंपनी आपका ट्रेवल बोनस मिलता है उसमें से पैसे थोड़ी काट रही कंपनी, कंपनी तो अपने ये एक्स्ट्रा अपनी जेब में से दे रही है ये वाला ऑफर। अब इसके लिए एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना, और इसमें तीन कंडीशन इसलिए रखी गई, जैसे आपने अभी शुरू किया मान लो पिछले महीने से, तो अक्टूबर है, अक्टूबर नहीं है तो नवंबर से काउंट करो, नवंबर तो पूरा महीना भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, 21 कर लो 3 महीने, और अगर वैसे भी नहीं होता तो 60,000 मेंटेन करो, कहां दिक्कत है उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलो ओके रशीद जी, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई और सवाल? यस सर, मेरा एक सवाल है मबीन खान जी। सर ये अपने को जो 50,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, ये एमआरपी पे डीपी पे है? डीपी पे मिलेंगे साहब। और सर ये हेल्थ केयर के मिल रहे हैं तो कंपनी अपने हिसाब से हेल्थ का प्रोडक्ट देगी या हम इसको चूज कर सकते हैं हेल्थ में कुछ भी? हेल्थ केयर का तो आप चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, सिर्फ हेल्थ केयर का ही होगा, हेल्थ केयर सेगमेंट का होगा। हाँ जी, लेकिन इसकी कंडीशन है वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसकी कंडीशन ये है कि जब आपकी कार बुक हो जाएगी ना, कार आप लेंगे उन्हीं लोगों की डिक्की में दिया जाएगा। ओके सर। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हमने 25,000 डाल दिए, 50,000 का माल भेज दो जी, कार वार तो आती रहेगी जब आएगी। सर ये बैंक ऑफ टूर में ये चीज लिख रखी है ना कि मेंटेन 60,000 बीवी, मेंटेन का मतलब मैचिंग ही है ना सर ये? बिल्कुल सर, मैचिंग है आपका, 60,000 अगर हुआ है और कंटिन्यूसली हो रहा है अगस्त से तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो अक्टूबर से काउंट करो, नवंबर से जी कंडीशंस दी हुई हैं, फिर आगे जो ऑफर्स आएंगे, फिलहाल तो ये टूर का ऑफर है, आगे भी चलती रहेंगी चीजें। ओके सर, थैंक यू, यही था। ओके सर, ओके ओके, एनीबॉडी एल्स? राजेश धनिया जी। जी धनिया जी आइए, हरियाणा के शेर राजेश धनिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार धनिया साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, मीटिंग सुन रहे हैं, राजेश जी मेरे पास ही बैठे हैं। जी 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 जी, मुझे पता था राजेश जी को पंप आप ही भर रहे हो। नहीं मैं तो पंप ना बताऊंगा। चलिए बताइए सर, मैं ये कह रहा था मतलब एक तो ये बताइए भी शेल्फ का 25,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो डाउन पेमेंट अलग से मिले क्या, फिर वो प्रोडक्ट मिलेंगे? नहीं देखिए, 25,000 का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट पहले अपनी चॉइस का होगा, आपके आईडी पे बिलिंग होगी उसकी, दूसरा जो 50,000 का प्रोडक्ट है उसकी बिलिंग नहीं होगी, एक बात, दूसरी चीज हेल्थ केयर का होगा, दो बात, तीसरी चीज ये जो प्रोडक्ट है जब आप कार बुक करेंगे तब मिलेगा। नहीं कार बुक करेंगे तो उसके लिए मतलब डाउन पेमेंट की जो बात हो रही, डाउन पेमेंट की जो बात हो रही ना सर, मैं बताता हूँ आपको, जैसे अभी अगर आप कार लेते हैं, टाटा टियागो के ऑफर है हमारे पास, तो टाटा टियागो अगर आप बुक करते हैं तो आप नॉर्मली जनरली जाएंगे, आपको जो भी ऑफर चल रहा होगा 10,000 से 15,000 का, 5,000 का जो भी वो देंगे आपको, लेकिन जब आप हमारे थ्रू जाएंगे तो लगभग 40,000 से 50,000 का, हो सकता है 5-10,000 और बढ़ जाएगी जिस दिन में बात कंप्लीट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा, तो 50-60,000 रुपए का बेनिफिट तो वही मिल गया आपको, प्लस 50,000 का कंपनी प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है सर। ठीक है ना सर। इसके अलावा आपका चेक बनेगा वो अलग, फिर आपका बैंकॉक में क्वालिफिकेशन में काउंट होगा वो अलग, फिर आपका कटआउट लगेगा स्टेडियम में वो अलग, आपकी जो मैगजीन जितने कार लेंगे उनकी कार की मैगजीन बन रही है उस कार फोटो आपका छपेगा वो अलग, आपको मान सम्मान दिया जाएगा स्टेज के ऊपर वो अलग, तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, एक बात हो रहा सर जी, ये जो मतलब ये जो थाईलैंड का टूर है इसमें अक्टूबर और नवंबर में जो एक 20-20 ये मतलब कोई करे तो 20 हो सकता है, पर यदि ज्यादा जाने जाए इसके लिए ये हो सकता है इन दो पहले महीने 7 करे या बाकी महीनों में ये पूरा कंप्लीट कर दे सर, 4 महीने सर पहले शुरुआत तो करो, से कम नहीं रहे जी सर। आप काम तो कीजिए, देखिए चीजें क्या है, कुछ होता दिखता है तो चीजें होंगी, और ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस से ही मतलब है कंपनी को, तो कहो आप बिजनेस आप करेंगे तो उसके ऊपर करा जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें जी, है ना, लेकिन शुरुआत तो करेगा सर, हमने ये छक्का मार दिया, आप बताओ क्या करना है। ठीक है सर। हाँ जी, चलो थैंक यू वेरी मच।
और ओम प्रकाश जी हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसर। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा आपको देख के सर। ओहो मैं दब गया कुछ। कैसे हो ओम प्रकाश जी? सब जी ठीक है। अभी स्टेडियम में आप ही को दूल्हा बनाना, इस बार जरा तैयार हो जाओ, जवान हो आप हमारे बीच। ठीक है जी, चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है समीर जी, पूछो कोई और है तो फिर क्लोज करते हैं, टाइम हो गया। मिस्टर एमडी हसन अली, मोहम्मद हसन साहब, हाँ प्लीज अनम्यूट जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत जबरदस्त सर, बहुत ऐसा ट्रेनिंग अगर मिलते रहे सर, बिजनेस करना बहुत ही सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा सभी के लिए। और एक आपसे अनुरोध ये है सर कि हमारा रिपर्चेज बिजनेस कैसे बूम करे उसके ऊपर भी कभी कदाल ट्रेनिंग करते रहिए। नहीं, रिपर्चेज का ही ट्रेनिंग था ना सर, जो आज मैंने आपको डायबिटीज के ऊपर ट्रेनिंग दिया है, तो अगर आप ये तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बिजनेस बढ़ाने के जी, वो भी होगा सर, सब होगा, रेगुलर होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप देख रहे हैं पिछले 12 दिन से चीजें हो रही हैं, तो और अच्छी तरीके से होगा, आपको मिलेंगी। बस ये है कि जितना बताया जा रहा उतना कीजिए और बढ़ चढ़ के भाग लीजिए सर सिस्टम में, है ना। बस बस बैंकों जैसे आप चाह रहे हैं सर, जैसे बैंकों को लेकर के चले सभी को बैंकॉक सर, यहाँ से भी हमारे लोग 10 लोग हम लोग साथ में आपके साथ सर उड़ान भरेंगे। हाँ पक्का, लेकिन एक बात बताइए, पासपोर्ट बनवा रखा आपने? जी सर, अप्लाई कर दिए हैं सर, वहाँ से आने के बाद अप्लाई कर दिए हैं। अरे वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पासपोर्ट बनाइए सब लोग। जी जी चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, वी आर डन विद क्वेश्चंस। चलो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें, ये अभी हम स्प्रेड कर देंगे और पूरी केआरएस टीम, पूरी मैनेजमेंट आप सब लोगों के समक्ष है, आपकी सेवा में है। 20 नवंबर को याद करना है, 20 नवंबर के बारे में अचीवर बन के जाना है, तालियां बजाने नहीं बजवाने के लिए जाना है, बहुत तरह की तैयारी आप लोगों के लिए हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके इस कीमती समय के लिए। तो साथियों, आज की ये जो जूम मीटिंग बहुत स्पेशल रहा, और जो ऑफर बताई गई है कंपनी की तरफ से, इसको ध्यान में रखते हुए टीम में प्रमोट करिए, और आप भी विजेता बनिए, कार अचीवर आप भी बनिए, टीम में भी बनाइए, और ढेर सारे कार आपके टीम में लेके जाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट, कल फिर से मिलते हैं 3 बजे एक नई ट्रेनिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।